डर मत नागिन, लगता है तुम बड़ी सिद्ध नागिन है। तेरे ही बलि से हमारी पूर्णाहुति संपन्न होगी। जय महाकाल। शेषक आओ, तुम मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। शेषक जल्दी आओ, शेषक आओ तुम। शिवन्या बुला रही है, वो किसी मुसीबत में है। आज पहली बार तुम नाराज नहीं हो। शेषक आओ तुम, आओ तुम, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, जरूरत है। आज तुम्हें नेकलेस अपने हाथों से पहनाऊंगा। ये मुझे क्या हो रहा है? ये दीवांगी क्यों? ये कैसा फितूर है? ये कैसी दीवांगी? ये कैसा सुरूर? आज तक मैं शिवन्या को रोकती रही, एक इंसान से प्यार करने के लिए रोकती रही, उसे इंतकाम की तरफ जाने को कहा, लेकिन आज मैं खुद उसी इंसान की तरफ खींची जा रही हूं। पहली बार ऐसे हुआ है कि शिवन्या किसी मुसीबत में है और उसने मुझे बुलाया, लेकिन मैं जा नहीं सकी। क्यों? आज तक मैं किसी के रोके ना रुकी, लेकिन आज एक इंसान ने मुझे रोक लिया। आज तक मैंने बिजलियां गिराई है और आज ये बिजली मेरे दिल पे आके गिरी। आज तक मैंने तूफान बरसाए हैं, तो फिर ये कैसी कयामत मेरे सर पर खड़ी है? आज तूफान बाहर नहीं बल्कि मेरे अंदर है, मेरे अंदर है ये तूफान। आज मैं इतनी बेबस हो गई, एक इंसान के वश में आ गई। एक नागिन को एक इंसान से प्यार क्यों? क्या करूं मैं?
शादी शादी। शादी करोगे? शादी करोगे मेरे बेटे से? मेरे बेटे से, मेरे ऋतिक से? मेरे ऋतिक से। मैं जानती हूं तुम ऋतिक को बहुत चाहती हो, जैसे मैं अपनी बहू को चाहती हूं। शिवन्या को छोड़ दो। छोड़ दो? क्यों नहीं छोड़ोगी? कहां छुपा कर रखा है शिवन्या को? देखो, अगर तुम अपने माँ बाप के कातिलों से बदला लेना चाहती हो तो लो, लेकिन मेरी बहू को उठाकर कहां ले गई? जरूर शिवन्या किसी मुसीबत में है, तो इसलिए वो बार बार बुला रही थी मुझे, और इस बुढ़िया को लगता है मैं उसे उठा ले गई। शिवन्या को बचाना होगा। ये तो जा रही है, ये चली गई तो मेरा तीर कैसे चलेगा? तुम ऋतिक से बहुत प्यार करने लगी हो। एक इच्छाधारी नागिन हूं और एक इच्छाधारी नागिन इंसान से प्यार नहीं कर सकती। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। कोई प्यार नहीं हुआ है। अगर प्यार नहीं हुआ है तो शिवन्या के रूप में मेरे बेटे के साथ तुम घूमने क्यों गई थी? रात क्यों गुजारी थी उसके साथ? मैं तो यही समझ रही थी कि मेरे बेटे के साथ मेरी बहू है, लेकिन आज नागिन बनकर तुम्हें वहां से निकलते हुए देखा तो तुम्हारा पीछा करते करते मैं यहाँ तक आई, और यहाँ आकर जो देखा वो क्या था? वो प्यार था। देखो, अगर तुम ऋतिक को पाना चाहती हो तो पा लो, अगर तुम ऋतिक से प्यार करती हो तो कर लो, लेकिन लेकिन मेरी बहू शिवन्या को छोड़ दो। तो तुमने मेरा ये रूप भी देख लिया है और रंग भी? तुम्हारा असली रूप पंचनेर की हवेली में मैंने देख लिया था जब तुम बंजारन बनकर आई थी। तुम मुझे नहीं छू सकती, गुरु मां की दी हुई अंगूठी मेरे पास है, तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। देखो, तुमसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, हम दोनों नागमणि के रखवाले हैं, दोनों ही शिव भक्त हैं। मेरे पति और मेरे भैया की सजा तो मेरी बहू शिवन्या को क्यों दे रही हो? मैं ऋतिक की शादी तुमसे करवाऊंगी, और रही बात शिवन्या की, तुम उसकी बिल्कुल चिंता मत करना, बहुत प्यार करती है वो, बहुत प्यार करती है वो ऋतिक से। मैं उसे समझा दूंगी, मना लूंगी, जान छिड़कती है वो ऋतिक पे, और उसकी खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकती है। तुम ऋतिक से शादी कर लो, लेकिन भगवान के लिए मेरी बहू को छोड़ दो। मेरा तीर चल रहा है, नागिन का दिल बदल रहा है। ऋतिक तेरी कमजोरी है नागिन, और नागमणि मेरी। प्लीज बताओ ना, शिवन्या कहाँ है? ऋतिक शिवन्या से प्यार करता है, मैं उसे कैसे नहीं? ठीक है, अब तुम बताओ, तुम ऋतिक से शादी नहीं कर सकती ना? नहीं प्यार करती है ना मेरे बेटे से? नहीं। अपने दिल से पूछो, तुम्हारे नाम में भी हाँ ही है। अगर मेरी बहू शिवन्या मुझे मिल जाएगी तो बड़ी खुशी की बात होगी। खैर, छोड़ो इन बातों को, मैंने अपने बेटे को, अपनी बहू को कभी ऐसे देखते हुए नहीं देखा। हाँ, पर वो मुझ में शिवन्या को ही, मेरी बहू शिवन्या को ही देख रहा था वो, मगर तुम्हारे रूप में। मैं जानती हूँ, पर तुम नहीं जानती। आज तक मैंने अपने बेटे को कभी इतना खुश नहीं देखा। आज पहली बार मैंने अपने बेटे को इतना खुश देखा, क्योंकि वो तुम्हारे साथ था। वो प्यार, वो लम्हा, सब कुछ मैंने देखा जो शिवन्या के साथ मैंने कभी नहीं देखा। मुझे बस अपने बेटे की खुशियां चाहिए, और तुम्हें नागमणि चाहिए ना? मैं नागमणि लेकर आई हूं।
इसे रख लो। तू सच में इतनी भोली है या फिर तेरी शक्ल ही ऐसी है? नकली। मैं असली नागिन हूं और ये नागमणि नकली। नकली। तू जानना चाहती असली नागमणि कहां है? मेरे पास। मेरे पास तेरे उस बेवकूफ पति से अरबी सौदागर नहीं बल्कि नागिन ले गई थी नागमणि। अच्छा, तो अगर वो असली नागमणि तुम्हारे पास है तो अब मेरी बहू से क्या चाहती हो? तो बोलो, कहां है मेरी शिवन्या? देखो, मैं वादा करती हूँ तुम्हारी शादी मैं ऋतिक से करवा दूंगी और जिंदगी भर तुम शिवन्या बनकर उसके साथ रहो। शेषक आओ तुम, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। सुनो, मैंने कहा ना अपने बेटे की शादी तुमसे करवा दूंगी। सच, अपने बेटे की कसम। रुक जाओ नागिन, खामोश होकर क्यों जा रही हो तुम? अरे जवाब तो देती जाओ, कहाँ है मेरी बहू? मेरी बहू शिवन्या। सुना है जहर से भी ज्यादा जहरीला है प्यार, और आज उसी प्यार से वार किया है मैंने तेरे दिल पे। अब देखना यह है कि तेरा जहर प्यार को काटता है या फिर प्यार तेरे जहर को। मेलो ड्रामा करके बहुत थक गई हूं मैं। आज 101 इच्छाधारी नाग नागिन की बलि दी जाएगी और हमें शक्ति प्राप्त होगी। जय महाकाल। जय महाकाल। जय महाकाल। जय महाकाल। शेषा जल्दी आओ, शेषा जल्दी आओ, शेषा। शादी करोगे? शादी करोगे मेरे बेटे से? मेरे बेटे से। तुम ऋतिक से शादी नहीं कर सकती ना, नहीं प्यार करती है ना मेरे बेटे से? नहीं, अपने दिल से पूछो, तुम्हारी नाम में भी हाँ ही है। देखो, मैं वादा करती हूँ तुम्हारी शादी मैं ऋतिक से करवा दूंगी और जिंदगी भर शिवन्या बनकर तुम उसके साथ रहो। क्या हम बाहों में भाई डाल के सिर्फ सो सकते हैं? मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूं।
आपने हमारी जान बचाई है, आपको कोटि कोटि प्रणाम। बेटा तुम यही सोच रहे हो ना कि हमने उस नागिन की जान क्यों बचाई। नागिन तो जहरीली होती है बेटा, वो इच्छाधारी नागिन है और हम इच्छाधारी नागिन के रखवाले। नागों के देव शेष नाग हमारे पूज्य देव हैं, हम शिव भक्त हैं और इच्छाधारी नाग नागिन भी शिव भक्त हैं। हमारे देव एक, हमारे इष्ट एक और हमारा मकसद एक, नागमणि की रखवाली। और नागमणि के रखवालों को बचाना हमारा फर्ज है। ये निशान देखो बेटा, ये निशान जिसके भी शरीर पे होता है उसे नाग और नागमणि की रक्षा करनी ही होती है। यही हमारा कर्म है और यही हमारा धर्म। फिर सपना, आज फिर सपने में मैंने खुद को देखा। मैंने एक नागिन को बचाया और वो निशान। ये निशान मेरे शरीर पे, मतलब मुझे इच्छाधारी नागिन को बचाना है। पर मैं इच्छाधारी नागिन को क्यों बचाऊंगा, वो तो हमारी दुश्मन है। ये कैसा सपना था। उस दिन भी मैंने सपने में देखा कि मैं मंदिर में एक बच्चे के साथ, और आज फिर। शिवन्या कहाँ चली गई? शिवन्या, जानते हो आज शिव जी के सबसे बड़े भक्तों की रात है, शक्ति की रात है। आज की रात इस मंदिर में इस शिवलिंग के सामने जो भी मांगोगे ना वो तुम्हें मिल जाएगा। अरे आज तो सोमवार है, शिवन्या शिव मंदिर गई होगी, पर वो अकेली क्यों गई, मुझे साथ लेकर क्यों नहीं गई? मैं भी चला जाता। एक नागिन को इंसान से प्यार, वो भी मेरी बहन का प्यार। प्यार तो करती है शिवन्या ऋतिक से, पर प्यार तो मुझे भी नहीं। शिवन्या सिर्फ मेरी बहन ही नहीं बल्कि मेरे जीने का मकसद भी है। मैं शिवन्या के साथ ये धोखा नहीं नहीं कर सकती। मैं आ रही हूं शिवन्या। शिवन्या 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 रही 101वीं नागिन कैसी छटपटा रही है। ये अपने किसी साथी को बचाने आई थी और खुद अपने जाल में फंस गई। जाओ इसे भी घेरे में डाल दो। जय महाकाल। जय महाकाल। शेषा शेषा
इतनी देर तक? कब से बुला रही हो तुम्हें? इतनी देर क्यों करती आने में तुम? शिवन्या, वो मैं तुम्हें ढूंढने तुम्हारे घर गई थी, पर तुम वहां थी नहीं। किसी को शक ना हो इसलिए मैंने तुम्हारा रूप ले लिया। मुझे तुम्हारी आवाज आई थी शिवन्या, लेकिन सब घर के लोग आसपास थे इसलिए मैं आ नहीं पाई। पर आना तो था ही, देर हो गई, मुझे माफ कर दो। बहन हो तुम मेरी, माफी मत मांगो। अब जो होना था वो हो गया, और जो होना है उसे रोकना है हमें। यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है। देखो इन अघोरियों को, ये सारे नाग नागिनों को अग्निकुंड में भस्म कर रहे हैं। हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा शीशा। हाँ शिवन्या, जय महाकाल। ओम त्रिवेकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मि वंदना मृत्योमुक्षी यमामृतात्। जय महाकाल। कि मंत्रों की आवाज इतनी रात के कहां से आ रही? क्या हो रहा है वहां पर? बस यहीं रुक जाओ, आगे मत जाओ, वहां मौत का साया है। आज खुद मौत ने कहर बरपाया है। मौत? हाँ मौत, वहां मौत की घाटी है और खुद अघोरियों ने मौत बांटी है। वो अघोरी जो जिगर से जान निकाल लेते हैं और शरीर से खून। आज एकादशी की रात है और आज अघोरी 101 इच्छाधारी नाग नागिन की बलि दे रहे हैं और अग्नि में वो निर्दोष प्राणियों की आहुति दे रहे हैं। लेकिन पंडित जी, उन नाग नागिन ने अघोरियों का क्या बिगाड़ा है? उन्हें काली शक्ति पानी है और इसके लिए उन्हें बलि चढ़ानी है। उन मासूम जानवरों की जान शक्ति पाने के लिए? नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। रुक जाओ, कहीं जाओ मत, वो अघोरी बहुत भयानक है। काली शक्ति पाने के लिए इस एकादशी की रात का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं और अगर उनकी इस क्रिया के बीच कोई आया तो उसे जान से मार देते हैं। बहुत बेरहम होते हैं ये अघोरी लोग। तो होने दीजिए, मैं उन मासूम जानवरों को बचा के रहूंगा। ओह, तो तुम्हें उसने भेजा है। शायद तुम्हें आना ही था। लगता है तुम्हारे हाथों से उसे नाग नागिन को बचाना था। वो आ गया, नाग नागिन का रखवाला आ गया। जाओ, भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, वो सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगे। ये निशान देखो बेटा, ये निशान जिसके भी शरीर पे होता है उसे नाग नागिन की रक्षा करनी होती है। हेलो एनिमल सर। शेषा, नागिन अब तेरी बलि चढ़ेगी। शेषा, जय महाकाल। नहीं शेषा, इसके बाद तेरा नंबर आएगा। शेषा नहीं। जय महाकाल। शेषा, सभी इच्छाधारी नाग नागिन को भस्म कुंड में डाल दो। जय महाकाल। जय महाकाल। जय महाकाल। मैंने कहा रुक जाओ। हे शिव जी, ऋतिक मुझे नागिन रूप में देख न ले।
है तू? चला जा, तुमने अघोड़ियों के काम में बाधा डाली है, चला जा, नहीं तो तुम्हें भी नाग नागिनों की तरह जलाकर भस्म कर दूंगा। तुमने हमारे जंतर मंतर को नहीं देखा है। बंद करो अपना ये जंतर मंतर। निर्दोष प्राणियों की जान लेकर तुम शक्ति पाना चाहते हो? तुम सब कायर हो, कायर हो तुम लोग, मूर्ख पागल। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, मार दो इन्हें भी। नहीं ऋतिक, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। वरना इसे भी मार दूंगा जैसे ये मरा। छोड़ दो सब नाग नागिनों को, वो मासूम है, छोड़ दो सबको। आगे मत आना। ए चलो सब अपनी अपनी जगह रुक जाओ। हवलदार ले चलो सबको। ऋतिक, आज अगर तुम नहीं आते तो हम सब इस दुनिया से चले जाते। आज तुमने मेरी जान बचाई, हम सबकी जान बचाई, पर तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? इतनी दूर, इतने वीराने में यहाँ क्यों आए हो तुम? आज रात नाग नागिन को बचा के ना जाने क्यों दिल को सुकून सा मिल रहा है, बहुत अजीब लग रहा है। रात के इस अंधेरे में किस्मत मुझे ही यहां क्यों लेकर आई? मैंने ही क्यों उनकी जान बचाई? आ गई मेरी मंजिल, शिवन्या मुझे यहीं मिलेगी, इसी मंदिर में।
मुझे ढूंढते हुए ऋतिक शिव मंदिर क्यों आया है? आज शिव जी के सबसे बड़े भक्तों की रात है, शक्ति की रात है। आज एकादशी है, सोमवार है। मैंने ही तो ऋतिक से कहा था कि मैं हर सोमवार को शिव जी की पूजा करने शिव मंदिर आती हूँ। इससे पहले कि ऋतिक वहां पहुंचे, मुझे मंदिर में पहुंचना होगा। मुझे पता था तुम मुझे यहीं मिलोगे। अकेली क्यों आई? कहा था ना जब भी कहीं जाया करो मुझे साथ लेकर जाया करो। जानती हो ना हमारे परिवार के साथ कितने हादसे हो रहे हैं। ऋतिक तुम सो रहे थे तो मैंने सोचा कि तुम्हें ना जगाऊं। वैसे भी तुम तो जानते ही हो मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। आई हो पर अब वादा करो कि अकेली मंदिर नहीं आओगे। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा तुम्हारे बिना। अब जब भी तुम कहीं जाओगी मुझे अपने साथ लेकर जाओगी। ओके आज तुम नहीं आते तो सच में मुझे कुछ हो जाता। आज इच्छाधारी नाग नागिनों का पूरा वंश मिट जाता। आज इच्छाधारी नाग नागिनों का पूरा वंश, शिव जी का अंश बचाया है तुमने। पिता कातिल और बेटा रखवाला, ये कैसा संजोग है शिव जी। तुमने अभी तक वादा नहीं किया, वादा करो। शिव जी से तुम्हें मांग लिया, तुम्हारे साथ जिंदगी भर का साथ मांग लिया। तुम साथ हो तो और मुझे क्या चाहिए ऋतिक। मुझे कुछ नहीं हो सकता। आज पहली बार ऋतिक को शिवन्या के साथ क्यों नहीं देख पा रही मैं? ये मुझे हो क्या रहा है? कल हमारी 6 मंथ एनिवर्सरी है। कल हम पूरे फैमिली के साथ सेलिब्रेट करेंगे और आज की रात हम दोनों मिलके शिवजी की पूजा करेंगे। तुमने तो शिवजी से मेरा साथ मांगे, मैं भी तो मांगू शिवजी से तुम्हारा साथ। वरना मैं तो तुम्हें मिल जाऊंगा, तुम मुझे नहीं मिली तो। शादी करोगे, शादी करोगे मेरे बेटे से, मेरे बेटे से, मेरे ऋतिक से? मैं चाहती हूँ तुम ऋतिक से बहुत प्यार करने लगी हो। तुम मेरा प्यार हो शेषा, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है।
क्यों उस इंसान की यादें आ रही है? क्यों उसकी याद मेरा दिल दुखा रही है? क्या करूं, क्या करूं मैं? उस दूसरी नागिन को तो शादी का न्योता दे दिया मैंने, अब वो दुल्हन बनकर आएगी या फिर नागिन बनकर डसेगी? माँ, इतनी रात हो गई, आप अभी तक सोई नहीं? यही तो मैं भी तुमसे पूछ रही हूँ बेटा, इतनी रात गए तुम दोनों कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है मैं कितनी डर गई थी। ये शिवन्या है या काली नागिन, कैसे पता करो? नागिन, नागिन, मुझे ऐसा लगा कि नागिन तुम्हें लेकर चली गई। पहले भी दो तीन बार वो तुम पर वार कर चुकी है ना, इसलिए मैं डर गई थी बेटा। माँ, शिवन्या शिव मंदिर गई थी, आज एकादशी का सोमवार है ना, तो वो शिवजी के दर्शन करने गई थी, और मेरे साथ होते हुए शिवन्या को कोई नागिन छू भी नहीं सकती। ये शिव मंदिर में, तो ये दूसरी वाली काली नागिन तो नहीं? शिवन्या को तो मैं खुद आघोरियों के जाल में फंसा कर आई थी, तो ये अभी पता चल जाएगा। बेटा, मैंने तो तुम्हें पूजा की सामग्री लाने के लिए भेजा था ना। ओ, मतलब उसके बाद तुम मंदिर गई थी? वो तो अच्छा हुआ, मुझे पता था कि एकादशी के दिन शिवन्या शिव मंदिर जाती है, तो मैं भी चला गया। शायद मेरा जाना ही लिखा था। बच कहीं ना कहीं ना। मां, मंदिर जाते वक्त मैंने रास्ते में देखा, कुछ अघोरियों ने इच्छाधारी नाग नागिन को बंदी बना के रखा था। वो उन मासूम जानवरों की बलि चढ़ा के शक्ति पाना चाहते थे। डिस्गस्टिंग, आजकल की दुनिया में भी ऐसा होता है। वो तो अच्छा हुआ मैं सही वक्त पर पहुंचा और पुलिस की मदद से उन नाग नागिन की जान बचा ली। ओह, तो तू शिवन्या है, आज फिर बच गई नागिन। क्या कहा तुमने? ऋतिक, नाग नागिन की जान बचाई तुमने, हमारे दुश्मनों की जान बचाई, ये जानते हुए भी कि वो नागिन हमारे पूरे परिवार को मारना चाहती थी, तुमने उस नाग नागिन को मरने से बचाया। माँ, एक नागिन हमारे परिवार की दुश्मन है, उसकी सजा हम पूरे नागवंश को क्यों दे? वो बेचारे निर्दोष है, मासूम है। मैं मर जावा, जानवरों के लिए तेरे दिल में इतना प्यार है, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा किया तुमने, तुम दोनों थक गए होंगे, जाओ बेटा, जाकर आराम करो। मां, अभी जाकर सो जा, ओके? गुड नाइट। गुड नाइट। जब तक ये दोनों नागिन एक दूसरे के साथ हैं, मैं इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इनका रूप ही इनका दुश्मन बन जाए। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.